मेकअप का सामान मंगाने में जितनी मजा आती है उतनी सजा भी मिलती है जब पैसे खर्च होते हैं। फिलहाल मेरे यहाँ बहुत सारे फंक्शन है, 4-5 फंक्शन है लगातार, लगातार नहीं है, 1-2 महीने में, तो मुझने सोचा क्यों ना मेकअप का सामान कुछ मंगवाऊं, क्योंकि मेरा मन था बहुत सारी चीजें लेने का, बहुत कुछ नया नया मार्केट में आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना सब ट्राई करा जाए। तो मैंने यहाँ पे ब्लेसर कुछ हाईलाइटर लिए तो उसका रिव्यू करेंगे। ये मैंने नायका से मंगवाए हैं, आप अमेजोन से या फिर किसी भी साइट से पर्पल से मंगवा सकते हो, जहां आपको छूट मिले आप वहां से ट्राई करिए। वैसे नायका के लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स, बट आप चेक करते रहिए, जहां आपको डिस्काउंट मिले आप वहां से लीजिए। बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस में ये सारी चीजें मुझे मिली, मेरा गिर गया, खैर बच गया। तो ये मैंने ब्लू हेवन कल मंगाया है, एक स्विस ब्यूटी का मंगाया है, एक इंस्टा लाइट का मंगाया है, तो तीनों ये चीजें अलग अलग मंगाई हुई है। ट्राई करते हैं, पहले यूज करते हैं, तो मैं फिंगर से ही यूज करूंगी। तो ये आप देख सकते हो, कितना ही अच्छा आया है इसका फिनिश जो है, मुझे तो इसका फिनिश जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही नेचुरल ग्लो दे रहा है एकदम। और ब्लश जो है 04 नंबर मंगाया मैंने, और ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत जरा सा लगाने की जरूरत होती है, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे इससे, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिला, आई थिंक 100 के अराउंड मिला। मैं प्राइस डाल दूंगी आपको, कोड डाल दूंगी, तो वो आप लिंक जो है ले सकते हो, आप जरूर बाय करिएगा इसका, हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा, जबकि मुझे अभी 2 ओपन और करने बाकी है, बट फर्स्ट जो मैंने रिव्यू था वो होता है ना कि आपको देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक उतना कैमरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं फोन से शूट करती हूँ तो उतना चीजें नहीं आ पाती है, बट मैं मिरर में देख रही हूँ अपना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया सच्ची। इतना अच्छा ग्लो दे रहा है, एकदम नेचुरल ग्लो। और बहुत सारे ब्लशर है मैं लगाती हूँ तो एक लगता है कि हाँ लगाया हुआ है बाहर से कुछ, बट ऐसा इसमें बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, और बहुत ही अच्छी सी ग्लो आ रही है, एक साइन आ रही है, फिनिशिंग इतनी अच्छी है, कमाल की है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, सच्ची बता रही हूँ मैं, बहुत कमाल का लगा। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया ये है ब्लू हेवन का, ब्लू हेवन का ये भी ट्राई करके देखते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है, हल्का सा इसमें भी साइन है, तो मैं इसको ब्रश से लगाऊंगी। आप ये ब्रश देख सकते हो, ये मैंने मीशो से ब्रश सेट मंगवाया था रिव्यू करने के लिए, जो छोटे छोटे पैकेट पड़े होते हैं, बट बिल्कुल बेकार होता है। इससे अच्छा होता है ना कि आप 2 ब्रश ही रखो, बट अच्छी थोड़ी सी क्वालिटी में रख लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो चलिए इधर भी इसको लगा के देखते हैं, इसमें खुशबू है, एक फ्रेग्रेंस है, वो खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही लाइट सी एकदम भीगी भीगी सी खुशबू आ रही है इसमें से। आप अगर ये लगाते हो ना ये दोनों से ही, तो आपको हाइलाइटर की, एक्स्ट्रा हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी काफी पिगमेंटेड है, इसका भी मुझे अच्छा लगा, ये थोड़ा सा इसके मुकाबले ये ज्यादा साइन कर रहा है ये वाला, और बाकी इसकी भी फिनिशिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है। और आप जब ऐसे ब्रश से ले रहे हो तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाए ब्रश पे, बहुत ही हल्का सा आ रहा है, है तो पाउडर फॉर्म में, बट फिर भी सेट है पूरा, तो इस वजह से बहुत ज्यादा ब्रश में नहीं आ रहा है, आराम से लग रहा है इजिली, और ऐसा नहीं है कि अपने ऐसे लिया ढेर सारा ब्रश में आ गया और बहुत ज्यादा लग गया, इस तरह से नहीं आ रहा है, ये अच्छी चीज है। बाकी इसका सेड भी काफी अच्छा है, दोनों का काफी मिलता जुलता सा सेड है, बट अगर आप बात करो ना तो
डे के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एकदम नेचुरल फिनिश देता है ये। अगर आप लेना चाहते हो तो ये नाइट के लिए थोड़ा सा हैवी मेकअप के लिए ये वाला ज्यादा अच्छा है। ये इससे भी आप हैवी कर सकते हो इंस्टा लाइट वाले से और ब्लू हेवन वाले से भी, तो दोनों ही सिमिलर है, बस शेड जो है हल्का सा चेंज है। अगर मैं आपको दोनों में से रिकमेंड करूं कि कौन सा लेना चाहिए दोनों ब्लश में से, तो वैसे तो दोनों ही अच्छे लगे मुझे। ये भी अगर मैं ये वाला नहीं ली होती तो ये वाले के लिए रिकमेंड करती, बट अब मैंने ये वाला लिया तो मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये शेड भी मुझे एकदम परफेक्ट सूट कर रहा है और नेचुरल फिनिश दे रहा है, तो मैं इस वाले के लिए ज्यादा रिकमेंड करूंगी इंस्टा लाइट वाले के लिए। बाकी अच्छे दोनों ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना पिगमेंटेड है। तो ये वाला मुझे, मैं अगर 10 में से मार्किंग करनी होगी तो 10 में से इसको 10 नंबर दूंगी, इसको 9 मार्क्स दूंगी। तो दोनों ही अच्छे हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको कौन सा लेना है, और सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली है तो आप जरूर ट्राई करिएगा इन दोनों में से कोई भी। इसके बाद एक और है जो मैंने मंगवाया, ये है स्विस ब्यूटी का ब्लशर हाइलाइटर है। ये गोल्डन उसमें है इस तरह का, देख सकते हो आप, और ये डिजाइन में बना हुआ है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। पहले तो इसको हैंड में ट्राई करके लेते हैं। मैं ब्लशर लगा रही हूँ, ये देखिए ऐसे बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है ब्रश में। अगेन ये भी ऐसी तरह का है, और ये देखिए सिर्फ एक स्ट्रोक लगाने की जरूरत है। तो मैं इसी से लगा दूंगी सब जगह, क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं है बहुत ज्यादा। ये देखिए आप शाइनिंग, जिनको अपना फेस हाईलाइट करना पसंद है और हाइलाइटर लगाना पसंद है, या फिर जो है एकदम लाइट जो ग्लिटर होता है ना उस तरह का है, बहुत ज्यादा मोटा मोटा थिक सा ग्लिटर नहीं है, बहुत ही लाइट ग्लिटर है और बहुत ही अच्छी फिनिश दे रहा है ये, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। अगेन ये देखिए आप ये खुद देख सकते हो, मेरे पास मैंने एक और पैलेट लिया था जो मिसो से मंगाया था, उसमें ब्लश और हाइलाइटर दोनों ही है, बट उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं है, उतनी अच्छी उसमें जो है पिगमेंटेड नहीं है। बट ये वाला यार एक ब्रश मारा, ये देखिए कितनी अच्छी से, अगर आपको लगाना नहीं है, मुझे नहीं आता है अच्छे से मेकअप करना इतना, मतलब मैं मुझे मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने बस जस्ट वन स्ट्रोक मारा। उसमें से क्या होता है आपको कहाँ लगाना है कैसे लगाना है बहुत ज्यादा पता ही नहीं चलता है, बट इसमें मैंने जस्ट लिया और वन स्ट्रोक ऐसे करके लगाया। देखिए आप कितनी ज्यादा अच्छे से एकदम एक बार में ही लग गया, आपको बहुत एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा आपको ब्रश लेने की जरूरत है। जस्ट टू टाइम ऐसे से किया बस सिंगल यू, ये देखिए ये तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे पास बहुत अच्छे मेकअप प्रोडक्ट नहीं थे, तो मैं सोच रही थी मैं कैसे मेकअप करूंगी, क्योंकि फ्रेंड की शादी है, फैमिली में शादी है और भी बहुत सारे फंक्शन है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ यार, थोड़ा सा रिस्क लेती हूँ ये सारी चीजें मंगवा के। बट आई थिंक मेरा जो है रिस्क लेना सफल रहा, डरते डरते मंगाया था क्योंकि काफी पैसे जो है मैंने इन्वेस्ट करे इन सब चीजों में। बट आपको लेना है, आपको इतनी सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तो वीडियो के लिए लिया हुआ है कि मेरे काम भी आएंगी आगे। मैं शादी में एक मंगा रही थी तो मैंने सोचा एक दो और मंगा के देखती हूँ, उसमें से जो है कंपैरिजन वीडियो भी कर दूंगी। सो आप देख सकते हो फेस मेरा, मेरे चीक्स ने अच्छे से हाईलाइट हो गए और बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, तो मैं ये दो आपके लिए रेकमेंड करूंगी। वैसे तो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसको क्यों मतलब वो करना बुराई, जबकि जब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एक लेना है तो आप रेकमेंड करूंगी ये वाला लीजिए इंस्टा लाइट का, और स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर पैलेट ये वाला, जस्ट अमेजिंग यार, अमेजिंग, वन स्ट्रोक और बस काम खत्म। 6 घंटे आपको लगाने की जरूरत नहीं है, यूं करने की जरूरत नहीं है। मैंने लिक्विड वाला
वाला भी हाइलाइटर मंगाया है, बट उसको बहुत ज्यादा ब्लेंड करना पड़ता है और काफी उसमें थिक से पार्टिकल्स हैं हाइलाइटर के, जिसकी वजह से नेचुरल नहीं लगता है। बट इसमें एकदम बहुत ही महीन से ग्लो वो है क्या बोलते हैं उसको पार्टिकल्स, उसकी वजह से एकदम नेचुरल फिनिश आता है। जस्ट वन स्ट्रोक और बस काम हो गया, फटाफट से रेडी होना है, यूं ब्रश लिया फटाफट से लगाया चीक्स बोन्स वगैरह में, तो ये काम काफी अच्छा रहा मेरे लिए। अच्छा हुआ कि मैंने ये सारी चीजें ट्राई करी। तो ये दो आप इंस्टालाइट का हाइलाइटर और ये ब्लश, ये दो आप अपने हाइलाइटिंग के लिए और ब्लशर के लिए दो चीजें आप ले सकते हो दोनों में दोनों। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे जो है कॉम्पैक्ट पाउडर और मैंने लूज पाउडर जो लिए हुए हैं उसका भी रिव्यू करना है, तो उसके रिव्यू के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का देखना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।